सहजनवा थाना क्षेत्र के घसरा चौकी के पीछे कुछ दूरी पर माखन बाग के पुलिया के पास बाइक सवार तीन हमलावरों ने घसरा निवासी 18 वर्षीय कृष्णगिरी पुत्र अनिल गिरी को पैर में गोली मारी। आपको बता दें, घसरा निवासी कृष्णा गांव से घसरा नहर के पास पैदल गया था कि अचानक एक बाइक से तीन युवक आए और माखन बाग के पास पुलिया के पास रोक लिया। जब तक वह कुछ समझ पाता कि हमलावरों ने गोली चला दी, जिस पर कृष्णा ने कूदकर भागना चाहा कि तब तक हमलावरों ने और गोली मारी, जिससे दो गोली उसके जंघे के पास जाकर लग गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद घर वालों को जानकारी हुई तो परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ठर्रापार ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि इस मामले की गहनतापूर्वक जाँच पड़ताल चल रही है। इसमें वांछित अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल युवक के पिता अनिल गिरी और एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, लेकिन हम लोगों का किसे करेंगे? भेज दियो। ठीक, तो देखो, कोई बोला तो गोली मारने के लिए गोली मार कर हमारा सब पैसा निकालने के 3000 रुपए छोड़ दिए थे। हमारा अनिल कुमार नाम है। क्या है आप? उसके पिता हैं। हमारे लड़के को गोली मार दिया गया। विवाद कोई नहीं था, एक लड़के के साथ था वो, उसके कह दिया था कि इसका साथ छोड़ दो, नहीं गोली मार देंगे। साथ नहीं छोड़ा, गोली मार दिया। हाँ, इसमें वो स्कॉर्पियो, हमारे पास गाड़ी था, वो कल बेच के पैसा 60,000 उसके पास बचा था, वो रखा था। पैसा छीन लिया गोली मारने के बाद। अब घटना के कारण बतावा हूँ। क्या नाम है उसका? अलगटपुर के हैं दो लोग, एक लोग अलगटपुर के हैं और दो बिसरी के हैं। इस युवक का नाम कृष्णा गिरी है। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि आज प्रातः में जब ये शौच के लिए गया था तो दो तीन लोग द्वारा जो है इसे गोली मार दी गई रंजिश के कारण। इस विषय में जो है मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये गोली युवक के पैर में लगी है, फिलहाल जो है उसे BID मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल से रेफर किया गया है। सर, इनके में सारी रंजिश थी और ये भी कोई रंजिश थी या नहीं, अब क्या सर इस दौरान उसके साथ कुछ छिनैती भी हुई है? नहीं, कुछ छिनैती की बात इसके द्वारा नहीं बताई जा रही है, लेकिन पूर्व का विवाद जो है बताया जा रहा है, जिन लोगों पर ये गोली मारने का आरोप लगा रहा है। अब यदि ऐसी बात है तो फिर जो है इस बिंदु पर भी छानबीन की जाएगी, जो उनके द्वारा जो है तहरीर दी जाती है, इस बात का साक्ष्य दिया जाता है तो इस पर भी छानबीन की जाएगी।